तो आज मैं आप सबको ए वाला लॉक लगा के दिखाने वाला हूँ, इसे परमा लॉक कहते हैं। आप इसे डबल डोर वाले घर में यूज कर सकते हैं, जो भी मतलब आपका मेन डोर होता है वो डबल है अगर, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे लगाते हैं। तो आप लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बने रहे, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं लॉक मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है, और एक बार आपको दिखा देता हूँ। परमा यूरोपा का परमा लॉक है, आप डबल डोर में इसे यूज कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। यहाँ पे आप उसका मॉडल नंबर और प्राइस देख सकते हैं। आप लॉक एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताता हूँ आपको। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा उसका प्लेट और लॉक, और सिलेंडर सेम रहता है सभी लॉक के जैसे, एक भी जैसे रहेगा, और रिंग और वो प्लेट। तो ये डोर है, इसमें लगा के दिखाने वाले हैं आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने मेजरमेंट करके ड्रिल कर लिया है, और ड्रिल करने के बाद कुछ इस प्रकार से मैं सिलेंडर लगा लेना है। सिलेंडर लगा के पीछे से प्लेट फिक्स कर लेना है। इसका प्लेट थोड़ा अलग रहता है सभी प्लेट से, तो कुछ इस प्रकार से हमें फिक्स कर लेना है। चलिए हम उसके दोनों स्क्रू लगा के फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें फिक्स कर लेना है, सामने से एकदम सेंटर में रखना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने सिलेंडर को दोनों स्क्रू लगा के फिक्स कर लिया है, उसके बाद ब्लेड हमें कट कर लेना है पीछे से। ये सब कि आप सबको पता है डोर की थिकनेस के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जितना थिकनेस रहेगा थोड़ा छोड़ के कट होता है। तो अभी लॉक है, मैं इसको इससे सेंटर में कर लेना है, और कुछ इस प्रकार से रख के हमें सामने डोर पे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हमें खांचा काट लेना है कुछ इस प्रकार से, ताकि हमारा लॉक जो भी है वो डोर के लेबल में रहे। तो खाँचा काट लेने के बाद हमें एक बार चेक कर लेना है कि लॉक हमारा कैसा ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद फिर स्क्रू लगा लेना है। तो हमारा लॉक ईजी ऑपरेट हो रहा है। हम अभी इसे प्लेट को पूरा फिक्स कर लेते हैं, उसमें चार स्क्रू आपको अलग से और मिल जाएगा। तो पूरा लगाने के बाद हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और जब हमारा स्क्रू पूरा फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ। पूरा अच्छी तरीके से हमें इसको फिक्स कर लेना है प्लेट को। तो हम जल्दी से इसको फिक्स कर लिए, उसके बाद हमें लॉक को कुछ इस प्रकार से, और सिलेंडर का भी स्क्रू हमें पूरा एक बार फिर से टाइट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चाबी, इसमें आपको चार चाबी मिल जाएगा। लॉक को कुछ इस प्रकार से हमें रख के मार्किंग करके ड्रिल कर लेना है। वो भी मैंने मार्किंग कर लिया है, अभी ड्रिल कर लेते हैं। यहाँ पे सामने से तीन स्क्रू हमें लगाने को मिलेगा, तो मैं अच्छे से ड्रिल करके स्क्रू लगा लेने हैं। तो पहले एक स्क्रू लगा के आपको दिखाएंगे, उसके बाद जब भी लॉक प्रॉपर ऑपरेट होएगा तो मैं पूरा स्क्रू लगा लेना है। तो हम पूरा स्क्रू लगा लेते हैं। तो मैंने पूरा स्क्रू लगा लिया अभी सामने का, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें दिखेगा आपको।
और हमें अभी नॉब से भी चेक कर लेना है। उसके बाद बैक साइड में हमें दो छोटे स्क्रू मिल जाएंगे लगाने के लिए कुछ इस प्रकार से, वो हमें यहाँ पे लगा लेना है। चलिए यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया। अभी लॉक मार्क मेरा पूरा लग से रेडी हो गया है, बस अभी प्लेट बिठाना है। कुछ आपको दिखा देते हैं, बस खुलने के बाद ऐसा रहेगा और बंद होने के बाद ऐसा। इसमें आपको एक ही बार चाबी घुमाना है, एक ही बार में वो खुल जाएगा और एक ही बार बंद जाएगा। और प्लेट हमें कुछ इस प्रकार से रख के मार्किंग कर लेना है, प्लेट हमारा इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे लॉक के पीछे आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा, जो लॉक खुला रहेगा तो ग्रीन रहेगा और बंद रहेगा तो रेड रहेगा। तो हमें प्लेट इस ऐसे रख के मार्किंग कर लेना है और मार्किंग करने के बाद अच्छे से खांचा कट कर लेना है। तो मैंने भी खांचा कट कर लिया है और स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मेरा प्लेट अभी फिक्स हो गया है, आपको अब दिखाते हैं। मेरा लॉक लग पूरा रेडी हो गया है, लग जाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है एक बार घुमाने पे। तो कुछ इस प्रकार से हमें ऑपरेट करना है। और आप मैं पीछे से लॉक को नॉब को भी लॉक कर सकते हैं, इसमें चाबी डाल के आप लेफ्ट घुमा देंगे तो नॉब लॉक हो जाएगा और राइट घुमा देंगे तो खुल जाएगा। तो पूरा लग जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो आप डबल डोर वाले में यूज कर सकते हैं, एक डोर में आप स्टॉप कर देंगे और दूसरे डोर को बस ओपन और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा डोर बैंड भी है तो थोड़ा सा और अलाइनमेंट नहीं हो पाया, फिर भी प्रॉपर ही है। तो लग जाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। एक बार हम घुमाएंगे तो खुल जाएगा और एक बार घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।